डियर स्टूडेंट्स, HTML जो बिना टैग के काम नहीं कर पाता है, उसके टैग क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं HTML टैग के बारे में जानेंगे। HTML टैग दो प्रकार के होते हैं मेनली, पहला पेयर टैग, दूसरा सिंगुलर टैग। पेयर टैग को कंटेनर टैग भी कहते हैं और सिंगुलर टैग को एम्प्टी टैग भी कहते हैं। पेयर टैग यानी कंटेनर टैग, पेयर टैग क्या होता है, जो किसी भी चीज़ को कंटेन करता है, यानी दो बार लिखा जाता है प्रोग्रामिंग में, पहले और लास्ट में, इसको ओपन करने के बाद क्लोज भी किया जाता है। और एम्प्टी टैग इसको हम लोग क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कंटेनर टैग। कंटेनर टैग क्या है, जो ओपन करने के बाद इसको क्लोज किया जाता है, इसमें कोई भी चीज़ हम लोग कंटेन करके रखते हैं, ठीक है। इसको पेयर टैग भी कहा जाता है, क्योंकि यह दो बार प्रोग्रामिंग में लिखा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं H1 क्या है, H1 एक टैग है, कैसा टैग है, हेडिंग का। इसमें हम लोग कोई भी चीज़ अगर लिखेंगे तो वह क्या करेगा, हेडिंग बना देगा, उसकी साइज को निर्धारित करेगा। इसको हम लोग यहाँ पर ओपन किए हैं और यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा स्लैश के साथ। इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो H1 क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है, या किसको कंटेन कर रहा है, इस टेक्स्ट को कंटेन कर रहा है, ठीक है। इसलिए यह किस प्रकार का टैग है, पेयर टैग है और कंटेनर टैग। पेयर टैग या कंटेनर टैग कोई एक ही हम लोग कहेंगे, या दोनों भी कह सकते हैं, या दिया है कुछ भी कहा जा सकता है। पेयर टैग कहिए, कंटेनर टैग कहिए। पेयर इसलिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार यहाँ यूज हुआ, दूसरी बार यहाँ पर हुआ, तो पेयर बन गया। और कंटेन किया हुआ है, किसी चीज़ को रखा हुआ है, अपने पास रखा हुआ है, डिफाइन कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, कंटेनर टैग। इसी तरह से HTML भी क्या है, यह कंटेनर टैग है, यह पूरा कंटेनर करता है। इसको भी क्लोज किया जाता है, ये इसको भी क्या करते हैं हम लोग, क्लोज करते हैं। यह भी पेयर टैग है। बॉडी क्या है, बॉडी भी पेयर टैग है। इसके अंदर हम लोग बॉडी का पूरा एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है, हम उसको क्या करते हैं, रखते हैं, ये भी पेयर टैग है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग एक और टैग का यूज करें, जैसे हेड का यूज करते हैं, ये भी क्या है, कंटेनर टैग है, जो डाटा मेटा डाटा को रखता है, इसको भी क्लोज करना पड़ता है। टाइटल ये भी क्या है, कंटेनर टैग है, इसमें भी टाइटल लिखते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, ठीक है। तो कंटेनर टैग वो हुआ जो पेयर में रहता है और किसी भी चीज़ को होल्ड किया रखता है, कंटेन करता है, समझता है उसको डिफाइन करता है और अपनी प्रॉपर्टी को इस पर अप्लाई करता है। जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे उसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करता है। इसी प्रकार एम्प्टी टैग क्या होते हैं, एम्प्टी टैग वो होते हैं जो एक बार लिखे जाते हैं, ठीक है, अलग से कहें उनको दोबारा लिखना नहीं पड़ता है, उनको क्लोज नहीं करना पड़ता है। जैसे बीआर टैग है, ब्रेक, लाइन ब्रेक टैग, इसको हम लोग एक बार लिखेंगे तो लाइन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। एच आर टैग ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन शो करने के लिए टैग होता है, ठीक है, इसको भी एक ही बार लिखते हैं, या किसी भी चीज़ को कंटेन नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग में यही अंतर है कि पेयर टैग, एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग में यही अंतर है कि कंटेनर टैग किसी भी चीज़ को कंटेन करता है, रखता है और अपनी प्रॉपर्टी उस पर शो करता है। एम्प्टी टैग किसी भी चीज़ को रखता नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी अपना उस पर शो करेगा, कोई चीज़ रखेगा नहीं, उसकी ऐसी ही प्रॉपर्टी, जैसे लाइन ब्रेक है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन शो की ओपन करना है, इन चीज़ों के लिए, जो जिससे सब्जेक्ट वाइज कोई चीज़ हम लोग लिखना चाहेंगे तो इसका यूज हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन करके करते हैं। तो पेयर टैग दो बार लिखा जाता है, ओपन किया जाता है और क्लोज किया जाता है। सिंगुलर टैग क्लोज नहीं किया जाता है, एक ही बार लिखते हैं। कंटेनर टैग में किसी भी चीज़ को रख देते हैं, एम्प्टी टैग में किसी भी चीज़ को रखा नहीं जाता है। तो और सारे बहुत सारे टैग हैं, अगले वीडियो में मैं बहुत सारा टैग, दूसरे टैग का यूज़ कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, इसको कैसे हम लोग
क्या उसको अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, HTML के पेज पर कैसे अप्लाई करेंगे, इसके बारे में बताऊंगा। मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।